विजयपुर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के चलते आज कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर लगी फड़ियों को हटाया गया। विजयपुर के एसडीएम अरविंदर शर्मा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि विजयपुर के रामगढ़ रोड पर मुख्य बाजार में दुकानदारों की तरफ से दुकानों के बाहर अपना सामान लगाने से बाजार में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। आज ये जो ड्राइव चली है, ये आप देख रहे हो कि दुकानदारों ने, शॉपकीपर्स ने नेशनल हाईवे वाले बाजार और जो विजयपुर का रामगढ़ बाजार है, रामगढ़ रोड जिसको कहते हैं, बाजार में काफ़ी सारा अतिक्रमण कर रखा है। अपनी दुकानों के आगे सामान रखा हुआ है, सरकारी जगह पे, रोड की जगह पे सामान रखा हुआ है, एनक्रोचमेंट की हुई है, इससे ट्रैफिक जैमिंग होती है, सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो इसी सिलसिले में आज यू म्यूनसिपल कमेटी, SDPO, SHO, तहसीलदार विजयपुर, मैं खुद SDM विजयपुर, सब ने एक ड्राइव चलाई है, लोगों को साढ़ा वार्निंग भी दी है और थोड़ा वो जो लगा कि जो थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे उनका सामान भी उठाया और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विजयपुर से गुरदास, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।